लोग कहाँ से आएगा, कोरोना है, लोग नहीं आता है। नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में कोरोना के संकट काल और लॉकडाउन के पहले दौर में बेरोजगारी की मार झेल चुके लोगों को अब तक राहत नहीं मिली थी। लोग अभी भी खुद को और परिवार को सहेज ही रहे थे कि दूसरी लहर ने दस्तक दे दी। ये लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई और एक बार फिर से बिहार को लॉकडाउन से जूझना पड़ गया, जो अभी तक चल ही रहा है। आपको पता है कि बिहार में ऐसे लोगों की आबादी ज्यादा है जो रोज कमा कर खाते हैं। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब खुद को कैसे समेटेंगे। कहते हैं कि पेट की आग जब भूख का रूप लेती है तो बाकी कोई भूख रह नहीं जाती, लेकिन विडंबना ये है कि ना तो दो रोटी का जुगाड़ है और ना ही कमाने खाने का जरिया बचा है। हम बात कर रहे हैं बिहार के सहरसा जिले के उन नाविकों की जिनके सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई है। अब इनके सामने भूख से मरने की नौबत आ गई है। लगभग एक साल से लोगों का आवागमन क्या रुका, इनकी तो सारी आमदनी ही रुक गई। इतने दिनों तक किसी तरह से खुद को और परिवार को लेकर चल रहे थे, लेकिन अब ये नामुमकिन सा लगने लगा है। जरा सुनिए क्या है इनका दर्द। नहीं चल रहा है। क्या कारण है, क्या है नहीं चल रहा है? कोरोना के लिए। कोरोना के लिए कितना चल रहा है? कितना दिन से आप लोग इस तरह से बैठे हुए? जिस दिन से लॉकडाउन लगा है साल भर से बंद चल रहा है। साल भर से बंद चल रही है। लॉकडाउन में कहाँ जाएगा, पुलिस तो इधर से उधर कर रहा है। फिर खाते पीते कैसे आप लोग, कैसे आप इसलिए लोग सब आता है यहाँ पे नाव पे चढ़ने के लिए? लोग कहाँ से आएगा, कोरोना है, लोग नहीं आता है। नहीं। किस इलाके, कौन सा इलाका है? सहरसा। ये कौन सा इलाका है? माहपुरा। बांध कौन सा है? कोसी बांध। कोसी बांध। पानी का जलस्तर भी बढ़ा है क्या इधर? कारुथान। क्या नाम हुआ आपका? शंकर यादव। कोरोना और लॉकडाउन की मार अब नाविकों पर भी पड़ी है। साल भर से नाविकों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, यही कारण है कि उनकी नाव मुहाने पर खड़ी रहती है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण इन लोगों पर खास असर पड़ा है। इनका कहना है कि एक साल से वो लोग बेरोजगार बने हुए हैं और उनके पास रोजगार नहीं है। लॉकडाउन और कोरोना के कारण नाव नहीं चल पा रहे हैं, जिस कारण उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई है। ऐसे में एक साल से नाविक बेरोजगार हो जाने के कारण अपने घरों की स्थिति को भी बयान कर रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द नाव चालू कराने की मांग की है। नाविकों का कहना है कि नदी पर लोगों का आवागमन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण नाव लगभग एक साल से बंद पड़े हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि प्रशासन इन नाविकों की गुहार को कब तक सुन पाता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।